क्रिकेटर बनने का सपना लेकर आए थे लेकिन किस्मत ने बना दिया एक्टर। देखे सभी के नाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारा अपडेट देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं खबर को। जीवन में हर किसी का एक सपना होता है और सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्रिकेटरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका बेहतरीन क्रिकेटर बनने का सपना था लेकिन ये क्रिकेट के खेल में सफलता हासिल नहीं कर पाए और ये अच्छे एक्टर बन गए। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 4, मुकुल देव। मुकुल देव को आप लोगों ने अभी तक जय हो, सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में देखा होगा। मुकुल देव फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने भारत के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेला था लेकिन इनकी किस्मत में एक एक्टर बनना लिखा था। सलील अंकोला। सलील अंकोला और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने एक साथ ही क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी लेकिन सलील अंकोला सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर नहीं बन पाए। सलील अंकोला को क्रिकेट के खेल में निराशा हाथ लगी, इसी कारण उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला लिया। वे अब टीवी सीरियल में काम करते हैं। नंबर 2, राहुल देव। राहुल देव को आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ये साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हैं। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि राहुल ने भारत की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं। नंबर 1, हार्डी संधु। हार्डी संधु के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय हासिल कर चुके हैं। इनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हार्डी संधु एक्टिंग भी करते हैं। साल 2005 में इन्होंने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की थी, हालांकि चोट लग जाने के कारण उन्होंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया।